दोस्तों 90 के दशक के फेमस प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। अजीज को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। बुधवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अजीज ने अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत कोलकाता में गालिब नाम के एक रेस्तरों से की थी। अजीज का जन्म 1954 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा बंगाली, उड़िया और अन्य रीजनल भाषा की फिल्मों में भी गाने गए। अजीज मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन थे। अजीज 1982 में मुंबई आए तो उन्हें पहला ब्रेक सपन जगमोहन ने दिया था। अजीज अपने संघर्ष के दिनों में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के घर भी जाया करते थे। अनु भी उस दौरान संघर्ष ही कर रहे थे। एक दिन अनु ने अजीज को बुलाया और फिल्म मर्द का मर्द तांगे वाला गाना गाने को कहा। ये गाना सुपरहिट हुआ और इस गाने ने अजीज की किस्मत बदल दी। एक इंटरव्यू में अजीज ने बताया था, मैंने 80 और 90 के दशक में कई हिट गाने गाए, बावजूद इसके मेरा नाम अवार्ड फंक्शन में नहीं लिया गया। एक से एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद ही पता नहीं चला।